everyone, welcome back. It's me, Izaani here. If you're watching me for the first time, thank you for coming here and stopping here. अगर आपने मुझे अभी तक subscribe नहीं करा है, तो subscribe जरूर कर लीजिएगा. उसके बराबर में एक bell icon होगा, उसको hit कर देना, so that you're notified with my every new videos. And yes, आज मैं compare करने वाली हूँ ये दो foundations. Like मैंने comparison videos, face off videos, मैंने दो तीन topics पे और बना रखी हैं. मैं आपको वो link कर दूँगी. मैंने BB creams के ऊपर comparison video बना रखी है, and मैंने compact powders के ऊपर comparison video बना रखी है. तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा. ऊपर आई बटन में लिंक कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक देम आउट. और आज हम कंपेयर करने वाले हैं ये Maybelline Fit Me का मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन वर्सेस वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन. सो इनका एक फेस ऑफ होने वाला है. हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे इनके बीच के. यू वांट टू सी माय कंपैरिजन फेस ऑफ वर्सेस एवरीथिंग वीडियो बिटवीन द Maybelline Fit Me एंड द वेट एंड वाइल्ड वन, देन लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. Okay, so it's not my best time. बहुत ज़्यादा breakouts हो रखे हैं पूरे face पे, hairs, pimple and hair and everywhere. God please give me beautiful skin. Alright, तो मैंने अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है. अब मैं प्राइमर यूज़ करूँगी, एडियस का स्मूथनिंग प्राइमर, एंड मैं इसको अपने पूरे फेस पे एंड टी जोन एरिया पे अप्लाई कर लूँगी. ताकि जस्ट अप्लाइंग इट ऑन टू माई यू नो टी जोन एरिया एंड ओवर माई फेस. तो मैं अपने फेस के राइट हैंड साइड लगाऊंगी Maybelline Fit Me और मैं अपने फेस के लेफ्ट हैंड साइड लगाऊंगी वेट एंड वाइल्ड. सो बहुत सीमलेसली ब्लेंड हो गया. अब वेट एंड वाइल्ड लगाती हूँ. ओके, सो एप्लीकेशन वाइज वेट एंड वाइल्ड भी बहुत इजीली ब्लेंड हो गया और फिट मी भी बहुत इजीली ब्लेंड हो गया. कवरेज वाइज आई वुड से कि Maybelline ने बहुत ज़्यादा यू नो स्किन लाइक फिनिश दी है. लाइक एक्स्ट्रा आपको लगेगा नहीं कि फाउंडेशन अप्लाई करा है, और वेट एंड वाइल्ड साइड आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ आपने यू नो कवरेज मिली है आपको, एंड थोड़ा बहुत कुछ थोड़ा बहुत हाइड आउट हुआ है. आप बिल्डअप कर सकते हो दोनों को. तो ये दोनों ही आपको यू नो मीडियम टू. ऑल राइट, सो पैकेजिंग वाइज देखा जाए तो वेट एंड वाइल्ड एक ग्लास बॉटल में आता है जो कि ऐसा है, और ये थोड़ा सा ब्रेथ वाइज है, और इसमें आपको मिल जाता है डिस्पेंसर के तौर पर आपको एक स्पैचुला. प्लीज डोंट माइंड माय दिस रिम, ये मुझे थोड़ा सा ब्रोकन ही रिसीव हुआ था पर्पल से. सो आपको ये ऐसा स्पैचुला मिल जाता है, सो इट इज़ वेरी हैंडी और आप बहुत ईजिली निकालेंगे. एंड इनका जो यू नो कैप है वो अच्छे से टाइटली क्लोजर भी है, तो आपको कोई डर नहीं है. बट थोड़ी सी आपको बॉटल हैवी लगेगी बिकॉज यू नो ग्लास बॉटल है, बट ओवरऑल पैकेजिंग बहुत अमेजिंग है. नाउ वेयर एज Maybelline Fit Me भी आपको एक ग्लास बॉटल में ही मिलता है, बट ये थोड़ा सा लेंथ वाइज है और इसमें आपको डिस्पेंसर के तौर पे कुछ भी नहीं मिलता है. इट्स जस्ट सिंपली द बॉटल, और आपको यहाँ कुछ भी डिस्पेंसर नहीं मिल रहा, ना ही पंप, ना ही स्पैचुला, नथिंग. तो आपका इससे क्या होता है कि थोड़ा सा यू नो ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाता है, कोई कंट्रोल नहीं होता प्रोडक्ट पे, तो थोड़ा वो मेसी हो जाता है. सो दिस इज द राइट. सो दोनों ही प्रोडक्ट के प्राइस एंड क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं. तो दोनों ही प्रोडक्ट आपको 30 ml के मिल जाते हैं. लाइक 30 ml प्रोडक्ट आपको दोनों बॉटल्स में मिल जाएगा. एंड प्राइस वाइज फिट मी आपको 575 या 525 तक का मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द डिस्काउंट्स ऑल्सो, बिकॉज इस पर काफ़ी डिस्काउंट चलता रहता है. तो ये आपको 430-450 तक की रेंज में भी मिल जाएगा, या फिर आप मार्केट से बाय कर रहे हो तो डिपेंड्स कि आप कितना बार्गेन कर सकते हो. देयर आर टॉकिंग अबाउट वेट एंड वाइल्ड. वेट एंड वाइल्ड आपको 599 अप्रॉक्स 600 रुपीज का ही मिलेगा. आई गेस इस पे कभी कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा होता है, और अगर चल रहा होता है तो दैट इज वेरी गुड फॉर यू, यू कैन गो एंड बाय. सो टॉकिंग अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स, तो Maybelline Fit Me आपको हर जगह मिल जाएगा. लाइक ये आपको मार्केट्स में मिल जाएगा, आपको मॉल में मिल जाएगा, हर साइट पे मिल जाएगा. सो ये इजीली अवेलेबल है, आप कहीं से भी इसे बाय कर सकते हो. वेयर एज वेट एंड वाइल्ड आपको सिर्फ और सिर्फ यू नो नायका पे ही लॉन्च हुआ था, तो नायका पे ही कुछ टाइम तक मिल रहा था, पहले मिल रहा था, लेकिन अभी ये पर्पल पे भी मिल रहा है, एंड आई गेस अमेजन पे भी अवेलेबल है. बट आपको ऑफलाइन ये कहीं नहीं मिलेगा बिकॉज ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली लॉन्च हुआ था नायका पे, और ये अब ऑनलाइन साइट्स पे मिल रहा है, लेकिन अभी तक ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है. तो ये आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगा, बट ये आपको ऑफलाइन जरूर मिल जाएगा. सो
talking about the shade ranges, so Maybelline Fit Me ki 12 se 14 shades hain India mein available, because ye har jagah, ye dono hi products har jagah use hote hain. So India mein Maybelline Fit Me ki aapke 12 se 14 shades available hai, which is very good. Koi bhi Indian apne skin tone ke hisab se apna perfect shade choose kar sakta hai. But Wet n Wild ke sath kya hai, isme sirf aur sirf 5 shades available hain. Like that is very disappointing, because bas 5 shades mein, you know, Indians kaise apne skin tone ke hisab se apna color choose kar sakte hain sirf 5 shades mein. But iske 30 shades bhi available hain, but not in India. That is not a good point. So I want ke Wet n Wild thoda apna shade range badhaye. So mera jo shade hai dono mein, Maybelline Fit Me mein mera shade hai 310 sun beige, and Wet n Wild photo focus mein mera shade hai golden beige. Talking about the skin types, so Maybelline Fit Me ऐसा claim करता है that it is good for normal to oily skin, but ये dry skin के लिए भी बहुत awesome product है. It's just कि आप moisturize कर लीजिए अपनी skin and ये आप पे बहुत आराम से suit कर जाएगा. So I guess it is good for all skin type, whether you're a dry skin or an oily person or a combination skin type, everyone. ये सबको suit करता है और matte finish देता है. और ये जो Wet n Wild का है, इसमें as such कुछ लिखा नहीं है कि ये किस particular स्किन टाइप के लिए बेस्ट है, बट ये भी ऑलमोस्ट सारी ही स्किन टाइप को सूट करता है. लाइक अगर आप ऑयली हैं तो भी ये आपको सूट करेगा, बिकॉज ये मैट फिनिश देता है. एंड अगर आप ड्राई स्किन के हो तो ये एक्सट्रीम ड्राई नहीं करता है, तो ये आपको तब भी सूट करेगा. सो ये दोनों ही इज गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स. So talking about the formula of both the products, तो Maybelline Fit Me काफी runny है, काफी thin इसका texture है, whereas जो Wet n Wild है, ये थोड़ा सा thick है as compared to this. Extreme thick नहीं है, like full coverage वाले foundations की तरह नहीं है, but as compared to this ये थोड़ा सा thick है and ये उतना runny भी नहीं है. तो ये थोड़ा सा आपको like अच्छी वाली coverage दे देता है. अगर आप किसी party में जा रहे हो तो आप ये prefer करोगे than this, but अगर आप normally कहीं जा रहे हो everyday basis पे तो आप ये prepare करोगे, because ये काफी skin like finish देता है. More I want to say कि दोनों ही आपको matte finish देते हैं, like extreme matte नहीं कि आपका face बिल्कुल dry and patchy हो जाएगा, but दोनों ही आपको semi matte finish देते हैं. Like थोड़ा सा dewiness लगेगा आपको Maybelline Fit Me में, but इसमें आपको कोई dewiness नहीं लगेगा, but ये extreme आपको dry भी नहीं करेगा. So दोनों ही आपको matte finish देते हैं, that is good for. So Maybelline Fit Me की जो fragrance है वो बहुत ज़्यादा regular sort of fragrance लगती है मुझे. like normal foundations में आपको ऐसी ही fragrance मिलेगी, whereas Wet n Wild की जो fragrance है, इस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, because ये fragrance इतनी वाहियात fragrance है, इतनी ज़्यादा गंद वाली fragrance है, like आप इसे नहीं चाहोगे कि you know इसे बिल्कुल smell नहीं करना चाहोगे, ना ही चाहोगे कि ऐसी fragrance आपके foundations में हो, क्योंकि fragrance जो है इसकी somewhat paint type की है, but paint जो शायद सड़ चुका हो, I don't know paint कभी सड़ते हैं कि नहीं, but बहुत ही worst स्मेल है इसकी लिटरली. बट अप्लाई करने के बाद दोनों ही डिसअपेयर हो जाती हैं, लेकिन अप्लाई करते टाइम ये बहुत ज़्यादा आपको लगेगा. सो अप्लाई करने के बाद दोनों यू नो डिसअपेयर हो जाती हैं. About the staying power of both the products, so Maybelline Fit Me 5-6 hours तक आराम से रुक जाता है, और ये भी 6-7 hours तक आराम से रुक जाता है. अगर comparison करा जाए कि which comes off fast, तो Maybelline Fit Me आपको थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी लगेगा इसके comparison में, because ये थोड़ा सा skin like finish देता है, और ये थोड़ा सा लगने लगता है कि जल्दी आ रहा है as compared to this one, क्योंकि ये थोड़ी सी coverage देता है. So talking about the oxidization power, मुझे as such किसी की oxidization ऐसी लगती नहीं है. दोनों ही एक से रहते हैं, जैसे आप apply करते हो वैसे ही रहते हैं. अगर थोड़ा बहुत oxidize होते होंगे तो उतना आपको फ़र्क पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे as such इतना oxidization power किसी की इन दोनों में से दिखी नहीं. And दोनों में ही कोई फ्लैशबैक नहीं है, परफेक्ट फॉर फोटोग्राफी. अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो फॉर गोइंग इनटू अ पार्टी, और अगर आप थोड़ा सा भी डर रहे हो कि फ्लैशबैक्स आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. बहुत अच्छा फाउंडेशंस हैं, कोई फ्लैशबैक्स नहीं आते, परफेक्ट फॉर फोटोग्राफी. यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये क्रूल्टी फ्री प्रोडक्ट है कि नहीं, बट Wet n Wild में यहाँ बहुत अच्छे से आपको क्लियरली ही दिख जाएगा बॉटल के आगे फ्रंट में कि ये क्रूल्टी फ्री प्रोडक्ट है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन. आई होप मैंने सारे ही टॉपिक्स कवर कर लिए हो इस फेस ऑफ में, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू लीव एनी टॉपिक. और अगर कुछ रह गया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मेरे अकॉर्डिंग मुझे दोनों ही सेम पेज पे लगते हैं, दोनों ही परफेक्ट हैं, बहुत अमेजिंग है. बस इसकी थोड़ी सी स्मेल का, फ्रेगनेंस का मुझे थोड़ा सा दिक्कत लगती है, बाकी दोनों में ही सब ठीक है. और इसमें जो है, इसमें एक पंप का नीड था, बस ये दो एक जो कॉन लगते हैं
मुझे दोनों में है, बट बाकी ये पूरे अमेजिंग है एंड मैं अभी दोनों ही तोड़ देती, बट ये मुझे दोनों ही बहुत अमेजिंग लगते हैं. यस, दिस वाज ऑल फॉर माय दिस वीडियो ऑफ फेस ऑफ बिटवीन मेबेलिन फिट मी पोरलेस मैटलेस पोरलेस फाउंडेशन एंड वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन. होप यू ऑल लाइक इट, और अगर आपको कुछ हेल्प करा है तो लाइक का बटन जरूर दबा के जाइएगा, एंड अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन टू माई सोशल नेटवर्किंग साइट्स. आई विल सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो. Bye.